के हकदार होंगे अगर आप नहीं मानते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों को। धनबाद से एक और बड़ी खबर, केंद्रीय चिकित्सालय में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई और परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने इस दौरान जमकर हंगामा भी किया है। कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मरीज की मौत हुई है। तो बड़ी अहम खबर, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का यह साफ कहना है कि जब उनका मरीज नेगेटिव था तो फिर आखिर मौत की वजह क्या है, मौत की वजह हमें साफ साफ बताई जाए। डॉक्टर्स की ओर से ये पूरी तरह से लापरवाही का मामला सामने आता है तो पुलिस को इस मामले में आगे आना पड़ेगा और पुलिस को पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर यह मामला कुछ इस तरीके है जो संदेहास्पद होता है। हालांकि हॉस्पिटल में बहुत बार ऐसा होता है कि मरीजों का निधन हो जाता है, डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते, लेकिन यहां तो कोरोना की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी पूरी तरीके से। तो आखिर मौत की वजह क्या रही हो, तो निश्चित तौर पर परिजनों की मांग ये यहाँ पर कि आखिर मौत की वजह क्या रही और जब कोरोना नेगेटिव था हमारा पेशेंट तो आखिर उसकी मौत कैसे हुई, कहीं लापरवाही तो नहीं थी। लापरवाही का आरोप साफ तौर पर यहाँ पे लगा रहे और मामले की जाँच की मांग की जा रही है। धनबाद से बड़ी खबर, अहम खबर। तो निश्चित तौर पर कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जब परिजनों का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है, वो आक्रोशित हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जब अस्पताल पहुंचे तो वो कोई दुख भरी खबर लेकर वहां से लौटे, उसके परिजन की मौत हो, उसके मरीज की मौत हो। लेकिन जब मरीज की मौत हो जाती है कई बार लापरवाही से और कई बार अनजाने में और कई बार वास्तव में डॉक्टर बचा नहीं पाते और इसमें लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है तो ये भी कहीं ना कहीं गलत बात है अपने आप में। और दिलीप इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। दिलीप, ये मामला सामने है कि कोरोना नेगेटिव होने के बावजूद मौत हो गई है, क्या पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर, परिजन क्या जांच की मांग कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, परिजन अभी तक केंद्रीय चिकित्सालय कैंपस में बैठे हुए हैं, पूरे तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं, जो दोषी डॉक्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय ये घटना घटी उसके एक घंटे पहले परिजन जो मरीज के अपने मिलकर आए थे और उन्हें जूस पिलाया था, कुछ हल्के खाना भी खिलाया था और उसके बाद स्थिति सामान्य थी और उन्हें छुट्टी करके घर ले जाने की सोच रहे थे। लेकिन अचानक एक घंटे बाद उन्हें यह पता चलता है उनकी तबीयत बिगड़ गई है। जब अंदर जाकर पता करते हैं उन्हें पता चलता है किसी नर्सेज के द्वारा एक इंजेक्शन लगाया गया। जब उनकी तबीयत में सुधार हो गया था, कोरोना नेगेटिव आ गया था, तो फिर इंजेक्शन लगाने की बात परिजन को समझ में नहीं आ रही और न्याय की मांग को लेकर के, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के परिजन घंटों हंगामा किए। हालांकि पुलिस पहुंची और पूरे वस्तु स्थिति को सामान्य किया, लेकिन परिजन अभी भी डटे हुए हैं, रो-रो कर उनका बुरा हाल है और वो इस बात को लेकर के कोस रहे हैं कि आखिर इस गलती की सजा किसे दी जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़े आप और परिजनों से और ऐसे तमाम लोगों से गुहार भी न्यूज 11 भारत की कि चिकित्सा जगत में ऐसी चीजें हो जाती है, आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा। कई बार डॉक्टर जो है वो चाह कर भी मरीज को बचा नहीं पाते हैं तो ये आप सोचिए कि डॉक्टर जानबूझकर